विजय जी सर आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, कौन से संदर्भ में रखी गई और क्या है? ये डोली दवा के पास में जोधपुर से जो केमिकल गंदा पानी किसानों के खेतों के अंदर आ रहा है उससे संबंधित जो समस्या है, लंबे समय से किसान संघर्षरत है और उनकी समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ, इसलिए अभी इसके लिए आने वाली 1 तारीख को बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन रख रहे हैं ताकि सरकार को सचेत कर सकें। किसान बहुत परेशान है, कई बार अल्टीमेटम देने के बाद में इसका कोई समाधान नहीं हुआ। आज किसानों की हालत बहुत ख़राब है, गांव के अंदर 2-2, 3-3 फीट पानी भरा हुआ है, इतने मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रखा है और दूषित पानी की वजह से किसानों के जो परंपरागत वाटर स्टोरेज है, पानी के टांके हैं, तालाब है, नाड़ियाँ हैं, सारे दूषित हो चुके हैं और किसानों का जीना दुर्लभ हो रखा है। इस वजह से अभी विशाल धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और 1 तारीख के दिन बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन रखा गया है। इसके साथ साथ में बालोतरा पाली से जो दूषित पानी निकल रहा है फैक्ट्रियों का, उसने किसानों के खेत ऊपर बहुत ही कहर बरपा रखा है। किसान भूमिगत जल स्रोत कुएँ वगैरह उनका पानी दूषित हो गया है और कई बार NGT के अंदर भी मामला गया, हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाने के बाद में भी इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ और इसके साथ साथ में और भी कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे यहाँ KN वेदांता के द्वारा जो तेल दोहन का कार्य किया जा रहा है मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल, इसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर कुओं का पानी बहुत दूषित हो चुका है। मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी इन दोनों मामलों को उठाया था तो KN के क्षेत्र के अंदर अभी टीम आई है NGT की, वो काम इधर सैंपल वगैरह लेके गई और वाकई में उस टीम को लगा कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाया जा रहा है कंपनियों द्वारा और जो वेस्टेज है ऑयल का, क्रूड का वेस्टेज, वो वापस ज़मीन के अंदर डाल देते हैं और कम दूरी पे डालने की वजह से किसानों का के ट्यूबवेलों के अंदर वो गंदा केमिकल युक्त पानी आने की वजह से खेत बंजर हो गए हैं, किसानों की हालत बेहाल है और कंपनियां रोजगार के क्षेत्र में भी स्थानीय लोगों को कोई तवज्जो नहीं दे रही है और स्थानीय लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, हर दृष्टि से इनका शोषण हो रहा है। इस वजह से आने वाली 1 तारीख को बड़ा विशाल प्रदर्शन रखा गया है। हालात बेहद चिंताजनक है, मैं गया वहाँ मौके पे जाके आया, वहाँ लोगों के अंदर घरों के अंदर रहना मुश्किल हो गया है, स्कूलों के अंदर पानी भर गया, हॉस्पिटल के आगे पानी भरा हुआ है, आंगनवाड़ी के अंदर वगैरह सारे पानी के अंदर डूबे हुए हैं, 5-6 गाँव के तो हालात। क्या उन्होंने आश्वासन दिया आपको? देखो, मानवता के नाते, हमारी परंपरा और संस्कृति के नाते हमारा नैतिक धर्म बनता है जब कोई व्यक्ति हमारी बात को सुने, हमारी बात को समझे तो एक बार भी उसके ऊपर भरोसा कर लेना चाहिए। तो 3 दिन के लिए हमने उनके ऊपर भरोसा किया और उसका अंजाम ये हुआ, हमारे ऊपर मुकदमे हुए, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे ऊपर मुकदमे करवाए। मैं तो कहता हूं उनसे, हमारे ऊपर एक नहीं 50-50 मुकदमे कर लीजिए, लेकिन इन गांवों को आजाद कर लीजिए इस पानी से, हमें जिंदगी भर के लिए जेल में ठूस लीजिए, लेकिन इन गांवों को इस दूषित पानी से जो फैक्ट्रियों का आ रहा है उससे आजाद कर लीजिए। हमारी दूसरी तीसरी इनसे कोई मांग नहीं थी, जब डिप्टी CM से बात हो रही थी तब वहां के स्थानीय विधायक जी को पैरवी कर बड़ा दिल रखकर ये बताना था कि भाई यहाँ के लोग तकलीफ में हैं और हमारा आप सहयोग कीजिए, कोई विशेष पैकेज बनाकर इन गांव वालों की मदद कीजिए। MP साहब आए, वहां पूरा का पूरा निरीक्षण किया, ग्रामीणों से मिले तो वह हमारे पूरे वहाँ के एरिया के लोगों ने इनकी वाह वाह की कि कम से कम हमारे बीच में आकर हमारी बात, तो वो भी रहे ना, आप 55 विधायक भी घूम रहे हैं वहाँ जाके आए भाई, 1.5 महीने तक जब तकलीफ में थे तब तो घूमे नहीं, उसके बाद घूम रहे। मैं तो कह रहा हूँ 1 तारीख को मुक्ति संग्राम का आंदोलन है, स्वागत है, आप भी आइए और आपकी सरकार को सताने के लिए धरने पर बैठिए, हमारे साथ में हमारी आवाज को बुलंद कीजिए, स्वागत है उनका भी। दृष्टभाव मत रखिए, कई ऐसे मामले होते हैं जहाँ पार्टी विचारधारा और कई बातें साइड में रखनी पड़ती है, एक मानवता के नाते साथ खड़ा रहना पड़ता है, तो हमारा नैतिक दायित्व है इस मामले में, कोई किंतु परंतु संकोच नहीं होना चाहिए। हमारी एक ही मंशा थी, हम तो बड़े सभ्य तरीके से बात कर रहे थे और पूरी महिलाएं खड़ी थी, गांव के खड़े थे, हम बात कर रहे थे
उस दौरान उनको सही जानकारी देनी थी। उन्होंने कहा ट्रीटमेंट प्लांट लग गया है, सब स्थितियां कंट्रोल में है। स्थितियां कंट्रोल में कैसे होती बताओ, जब डेढ़ डेढ़ महीने से घरों के अंदर पानी पड़ा हो, जिनके सूले नहीं जगे हो, वो स्थितियां कंट्रोल में होगी। पांच पांच गांव तकलीफ में, 12-13 रेवेन्यू विलेज तकलीफ में, और उसके बाद भी उनको स्थितियां सामान्य लगती है। तब हम लोगों ने उनको कहा कि विधायक जी, हमने कोई गाली गलौज नहीं किया, हमने विधायक जी जो सही सम्मानित शब्द होता है, शब्द का प्रयोग करते हुए उनको बताया। आपने कहा था कि आपके दिमाग में कोई भूल हो तो निकाल देना। बिल्कुल कहना पड़ेगा, जब जनहित के मुद्दा होगा, जनहित की बात होगी, तो दिमाग में गलत फितूर होगा, तो उसके बारे में उनके बात की, कोई गलत नहीं कहा। मैं मेरी मांग के लिए नहीं खड़ा था, या उम्मेदवार राम जी जो हमारे सांसद है कोई अपनी मांग नहीं रख रहे, मांग रख रहे जनहित की। जब जनहित और पूरा पर्यावरण और मानवता तकलीफ में, तब उनको सही बात बतानी चाहिए थी। हमारी उनसे मांग है, आप आइए 1 तारीख को हमारा जो आंदोलन है उसमें हमारा सहयोग कीजिए और हमारे साथ खड़े रहिए। तो हनुमान बेनीवाल जी से कोई बात हुई है? बिल्कुल, सबसे बात हुई है, नेताजी ने आदेश दिया है कि मजबूती से